आज आपसे बात करने वाली हूँ मुलाम दो वाले लोगों के लिए। आने वाला साल 2021 कैसा रहने वाला है। हाय, दिस इज किरण आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण नुमेरो वास्तु। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि मुलाम दो वाले, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, ये नंबर 2 उनका मूलांक नंबर है। और इन मूलांक नंबर वालों के लिए, मूलांक 2 के लिए 2021 कितने खुशहाली लेकर आना है, लेकर आने वाला है, कितनी प्रोस्पैरिटी लेकर आने वाला है, ये आपसे बात कर रही हूँ दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कौन सी ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज करें जिससे आप, अगर थोड़ी बहुत कुछ अप डाउन्स भी आप इस साल में फेस करने वाले हैं या कुछ ऐसा नजर आ रहा है, तो उन अप डाउन्स को आप इन रेमेडीज के थ्रू काफी हद तक आप कवर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को, बटन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि उससे ही आपको मेरी अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को। मून यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि मन का कारक, चंद्रमा यानी कि क्वीन, इमोशंस, सेंसिटिव नंबर है ये। और अगर हम 2021 को देखें कि वो इस साल किस प्लैनेट पर आ रहा है, तो 2+0+2+1=5। 5 यानी कि मर्क्यूरी, बुध, बुध यानी कि नॉलेज, बुद्धि, कम्युनिकेशन, ट्रेवल, इन सब चीजों को ये नंबर 5 यानी कि बुध रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि देखिए, न्यूमरोलॉजी में हम नंबर 2 को, मून को क्वीन कहते हैं और बुध को प्रिंस, राजकुमार। तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ, जैसे माँ और बेटे का कॉम्बिनेशन। लेकिन फिर भी दोस्तों, क्योंकि नंबर 2 वाले बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो इनको अपने इस इमोशनल पर्सपेक्टिव को दूर रखकर इस साल अपनी बुद्धि से काम लेना होगा, तभी यह साल उनके लिए खुशहाली लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये साल इन लोगों के लिए 100% बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा। लेकिन फिर भी अगर ये अपने, जैसे मैंने अभी बताया, इमोशनल पर्सपेक्टिव को एक साइड पर रखें और सिर्फ अपने दिमाग से काम ले, अपने दिल से काम ना ले, अपने मन से काम ना ले, तो बहुत हद तक ये साल इनके लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल जाने वाला है। दोस्तों चंद्रमा और बुध का रिश्ता ही ऐसा है कि ये दोनों बहुत ही इमोशनल और बहुत सेंसिटिव जो नंबर्स हैं, और इन मूलांक वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और मूड स्विंग्स होते हैं इन लोगों के। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का है, चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, ऐसे ही इन लोगों के मूड स्विंग होते हैं। एक मिनट में खुश हो जाते हैं, एक मिनट में ही इनका मूड ऑफ हो जाता है, इनका कुछ भी पता नहीं चलता। अगर हम बात करें अब इनके की नंबर 2 मूलांक वाले लोगों के लिए जो एजुकेशन सेक्टर में है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो टीचिंग जॉब में है, उनके लिए 2021 कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगी। 2021 स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन फिर मैं बार बार बोलूंगी कि मेहनत तो आपको करनी है। अगर आप फॉरन से अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मर्क्यूरी का साल है, बुध का साल है, ट्रेवल का साल है, तो आपको ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। आप इस साल लंबी दूरी की किसी भी यात्रा का प्लान भी कर सकते हैं। नंबर 2 वाले धार्मिक जगहों पर जाने की अगर आपकी कोई प्लानिंग है, तो वो भी आपकी सक्सेसफुल हो सकती है, वो आप जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी, जैसे मैंने बताया कि आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है इस साल, तो आप बाहर जा सकते हैं। कुल मिला के एजुकेशन के लिए नंबर 2 वालों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, बट ओवरऑल टाइम पीरियड बहुत अच्छा है ये। अब अगर हम बात करते हैं वेल्थ की, जॉब की और बिजनेस से रिलेटेड लोगों की, तो दोस्तों वेल्थ के लिए ये साल ऑलमोस्ट मई टू सेप्टेम्बर अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप जॉब में हैं और आप जॉब में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, और अगर आप बिजनेस में भी हैं, अगर आप वहां पर भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको मई टू सितंबर
इस टाइम पीरियड में ही कोई अपना कदम उठाना चाहिए, उसके आगे या पीछे टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आ रहा है दोस्तों। ओवरऑल जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ये मैं कहूंगी ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन जैसे मैंने जो मंथ्स बताए उन मंथ्स का आप जरूर ध्यान रखें। हेल्थ की बात करें तो जनवरी, फरवरी और मार्च का मिड ये थोड़े से चैलेंजिंग है, इसमें आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके बाद के मंथ्स आपके लिए अच्छे साबित होंगे आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। जनवरी, फरवरी और मार्च में जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हेल्थ के लिए चैलेंजिंग है ये मंथ्स, तो इसमें अगर आपको पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई भी डिजीज है, अगर आप बीमारी में जूझ रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी ज्यादा हो सकती है, तो आप इस चीज का खास ध्यान रखें। अपना टाइम टू टाइम आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से लें, और अगर आपको लगता है कि डॉक्टर को चेंज करने की नीड है तो आप वो भी करें। इस 3 मंथ को आप अवॉइड ना करें। अब बात करें रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रेमी जोड़े हैं और इस साल अगर शादी के लिए सोच रहे हैं तो वो साल बहुत अच्छा है आपके लिए, और आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, योग्य जीवन साथी आपको मिल सकता है दोस्तों। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर आप मैरिड हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके लिए जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 मंथ आपके लिए जो है वो चैलेंजिंग है। आप जो है वो इन मंथ से पहले अपने रिलेशन को सॉर्ट आउट कर लें। अगर आप कपल हैं और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं या फिर डिवोर्स टाइप जैसा कोई केस आपने किया हुआ है या आपके ऊपर किया हुआ है, तो अगर आप इन मंथ से पहले डिसीजन ले लेते हैं तो अच्छा, अदरवाइज इन मंथ्स में आपको सेपरेशन का फेस भी करना पड़ सकता है। तो आप जरा इस चीज में सूझबूझ और संयम से काम लें। तो दोस्तों ये थी जानकारी नंबर 2 वालों के लिए कि आपको एजुकेशन सेक्टर में कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वेल्थ और हेल्थ। अब मैं बात करूंगी कि किन चीजों को आपको नंबर 2 वालों को 2021 में किन सावधानियों के साथ चलना चाहिए और कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे 2021 आपका जो है वो खुशहाल रहे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 2 है, सेंसिटिव नंबर है और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग, तो वहां पर इनको इस साल अपने दिमाग से काम लेना होगा। अपने दिल को थोड़ा सा साइड पे रखें, तभी आप अपने हर काम में, चाहे रिलेशन है, चाहे पढ़ाई है, या फिर आपका वेल्थ से रिलेटेड, जॉब और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें आप सक्सेस होंगे। अब आपको क्या करना है, क्या ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो करके आप 2021 में थोड़े बहुत जो ये अपडाउन है भी उनको आप कवर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, अगर आपका मंदिर है यहां पर बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आपको यहां पर चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के रखना है दोस्तों। चांदी के बर्तन में आप यहां पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में गंगा जल भर के रखें। आप रुद्राक्ष का ब्रेसलेट ये अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। आप शिव जी की पूजा करें और शिव जी पर आप डेली कच्चा दूध चढ़ाएं, उनका जलाभिषेक करें, नहीं तो सोमवार को आप जरूर शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ाएं, शिव जी की पूजा करें। ये आपके और दोस्तों एक और कि अगर आप अपने साथ अपनी पॉकेट में हमेशा के लिए, अगर आप इस साल के लिए मैं कह रही हूं, अगर आप चांदी का कोई भी टुकड़ा या चांदी से जुड़ी हुई कोई भी चीज अपने पास रखते हैं तो वो भी आपको बहुत शुभता देगी। तो दोस्तों ये थे नंबर 2 वालों के लिए 2021 इन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जाते जाते मैं आपसे फिर वही बात करूंगी कि दोस्तों मेरी ये सारी जो कैलकुलेशन थी, न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन, ये बेस्ड थी प्लैनेट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। अब मैं फिर आपसे वही बात करूंगी कि नो वन कैन टेल व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर, ब्रह्मा, गॉड, यूनिवर्स, वो ही बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। हम सिर्फ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कार्ड्स रीडर या ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ आने वाले टाइम की आप बता सकते हैं कि इस टाइम पर क्या होगा, बट एग्जैक्टली क्या होगा नो वन कैन
predict that. No one can tell. Only God, Brahma, Vishnu, Mahesh, universe can tell what will happen exactly. What will happen exactly with surely. तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो एक बार फिर से कहूंगी कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे. आने वाले नंबर्स जो रह गए हैं रेस्ट नंबर्स उनकी मैं प्रेडिक्शंस आपको आगे दूंगी. तब तक गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और मेडिटेशन योगा आप नंबर 2 वाले जरूर करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.